यह देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ संजौली से हम दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दो मजदूर यहाँ पर छत पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए एक पहली जो चादर है छत की उसको निकाल लिया गया है। और यहाँ पर ये प्रक्रिया आज से जो मस्जिद के ऊपर जो 3 मंजिला अवैध मंजिल है उनको जो है डिमोलिश करने की प्रक्रिया, जो अवैध निर्माण है उसको गिराने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू की गई है। तो मजदूरों की कमी यहाँ पर दिख रही है, जैसा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से पहले कहा गया था। और अब धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। बड़ी बात इसमें है कि आप देखिए संजौली में जो रिहाइश है वो किस तरह की है, और यहाँ पर समय जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। जो मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 से 4 महीने का वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जो है इस अवैध हिस्से को तोड़ा जाएगा और उसके बाद यहाँ से ऊपर सड़क तक जो है वो डेब्रिज है वो लाई जाएगी। और बड़ी बात इसमें संजौली कमेटी की तरफ से ये कही गई है कि फंडिंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इसमें लाखों का खर्च आएगा, कैरिज ज़्यादा लगेगा और मजदूर काफ़ी संख्या में लगेंगे। और ये जो फंड है ये केवल मस्जिद कमेटी ही इसके लिए फंड जुटाएगी, ना ही राज्य सरकार, ना ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ना ही किसी और, ना ही वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है कोई फंडिंग इसके लिए की जाएगी। अब यहाँ पर जिस तरह से विवाद संजौली मस्जिद के ऊपर अवैध निर्माण को लेकर हुआ, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आएंगी। हालांकि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष से जब हमारी बात हुई उनकी तरफ से ये कहा गया, ये जो उन्होंने कुछ समय पहले जब ये मामले को लेकर विवाद चल रहा था, मस्जिद कमेटी खुद सामने आई थी कि अवैध निर्माण को वो खुद गिराने की इजाज़त उसे दी जाए। तो उसी वक्त ये पहल यहाँ से की गई थी कि जो हिमाचल का जो सांप्रदायिक माहौल है वो ख़राब ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे, और उसी के चलते यहाँ पर देखेंगे कि एक जो एप्लीकेशन दी गई थी नगर निगम के कमिश्नर को और उसी को आधार बनाते हुए यहाँ पर फैसला भी 5 अक्टूबर को सुनाया गया था। एक बड़ी अपडेट इस मामले में ये भी निकल कर आई है कि जो हाईकोर्ट में जो आज इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, जो मामला अभी नगर निगम आयुक्त कोर्ट में चल रहा है उसको जो है टाइम बाउंड किया जाए। तो अदालत की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है कि 8 हफ्ते के भीतर इस पूरे मामले को नगर निगम आयुक्त कोर्ट जो है इसको पूरा करे, इसका निपटारा करे, क्योंकि ये मामला जो है 2010 से चल रहा है। और इस मामले में जो नीचे की जो 2 मंजिला है जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, इसको लेकर सुनवाई इस पर जो है 21 दिसंबर को होनी है। शिमला में घर किस तरह से बने हैं, पहाड़ी पर घर किस तरह से बने, और संजौली तो आपने देखा है कि कितना ज़्यादा क्राउडेड ये संजौली शहर है। और इसी को जो है अब यहाँ पर इसीलिए तो यहाँ पर वक्त लगेगा, ये जो है मैदानों की तरह सीधे नहीं है कि आप बुलडोजर चला दीजिए और एक दिन में इसको पूरा डिमोलिश किया जाएगा। तो यहाँ पर तो आप देखिए अगर आसपास में साथ में इसके साथ जो भवन बने हुए हैं कुछ उसको यहाँ पर देखते हुए या थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा जाएगा। तो इसी के चलते इसमें समय काफ़ी लगने वाला है, जो मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया है। और मस्जिद कमेटी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस समय को देखते हुए जिस तरह से अदालत ने आदेश दिए हैं कि 2 महीने के भीतर ये अवैध निर्माण गिराया जाए, लेकिन अब इसमें समय ज़्यादा लगेगा तो एक एप्लीकेशन दायर की जाएगी कि अगर 2 महीने के भीतर ये पूरा अवैध निर्माण नहीं टूटता है तो समय बढ़ाने के लिए कोर्ट में जो है एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी। और एहतियात यहाँ पर बरतनी होगी, क्योंकि रिहाइश किस तरह की यहाँ पर बनी हुई है, किस तरह से सटे हुए हैं, एक भवन से दूसरा भवन बिल्कुल सटा हुआ है, तो यहाँ पर यह भी एहतियात बरतनी होगी। और दूसरी बड़ी बात है यहाँ से जो मस्जिद कमेटी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो डेब्रिज निकलेगी उसको यहाँ तक ऊपर सड़क तक लाने के लिए भी कैरिज बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ था यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अब
जो अदालत के आदेश थे उनको अमली जामा यहाँ पर पहनाया जा रहा है, और जो मस्जिद में के ऊपर जो अवैध निर्माण था, जो 3 मंजिला थी, उसको गिराने के जिस तरह से आदेश थे, उस अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। आप सामने देख सकते हैं कि 2 मजदूर छत पर नजर आ रहे हैं, तो जो अवैध हिस्सा है सबसे पहले इसकी छत को गिराने का काम यहाँ पर शुरू किया गया है। और यहाँ पर जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर जो ऊपर के जो 3 मंजिल आपको नजर आ रहे हैं, इन तीनों को जो है यहाँ पर गिराया जाएगा। और यहाँ पर मस्जिद कमेटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रिहाइश किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है, भवन एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, एहतियात इसमें बरतनी होगी, और थोड़ा थोड़ा करके जो है टुकड़ों में इसको जो है गिराया जाएगा, जो अवैध निर्माण है उसके हिस्से को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा जाएगा, तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरह से आयुक्त कोर्ट का फैसला है कि 2 महीने के भीतर ये अवैध निर्माण गिरना चाहिए, और ऐसे में 2 महीने के भीतर ये अवैध निर्माण नहीं गिरता है तो अदालत से समय लिया जाएगा, और समय की मांग की जाएगी कि और समय जो है इसको गिराने के लिए दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात इसमें ये भी निकल कर आ रही है कि इसको गिराने का सारा खर्च जो है वो मस्जिद कमेटी उठाएगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। ये देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ संजौली से हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 2 मजदूर यहाँ पर छत पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए एक पहली जो चादर है छत की उसको निकाल लिया गया है, और यहाँ पर ये प्रक्रिया आज से जो मस्जिद के ऊपर जो 3 मंजिला अवैध मंजिल है उनको जो है डिमोलिश करने की प्रक्रिया, जो अवैध निर्माण है उसको गिराने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू की गई है। तो मजदूरों की कमी यहाँ पर दिख रही है, जैसा कि मस्जिद कमेटी की तरफ से पहले कहा गया था, और अब धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। बड़ी बात इसमें है कि आप देखिए संजौली में जो रिहाइश है वो किस तरह की है, और यहाँ पर समय जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, जो मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 से 4 महीने का वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जो है इस अवैध हिस्से को तोड़ा जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ऊपर सड़क तक जो है वो डेब्रिज है वो लाई जाएगी। और बड़ी बात इसमें संजौली कमेटी की तरफ से ये कही गई है कि फंडिंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इसमें लाखों का खर्च आएगा, कैरिज ज़्यादा लगेगा, और मजदूर काफ़ी संख्या में लगेंगे, और ये जो फंड है ये केवल मस्जिद कमेटी ही इसके लिए फंड जुटाएगी, ना ही राज्य सरकार, ना ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ना ही किसी और, ना ही वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है कोई फंडिंग इसके लिए की जाएगी। अब यहाँ पर जिस तरह से विवाद संजौली मस्जिद के ऊपर अवैध निर्माण को लेकर हुआ, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर आएंगी। हालांकि मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष से जब हमारी बात हुई उनकी तरफ से ये कहा गया, ये जो उन्होंने कुछ समय पहले जब ये मामले को लेकर विवाद चल रहा था, मस्जिद कमेटी खुद सामने आई थी कि अवैध निर्माण को वो खुद गिराने की इजाज़त उसे दी जाए, तो उसी वक्त ये पहल यहाँ से की गई थी कि जो हिमाचल का जो सांप्रदायिक माहौल है वो ख़राब ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे, और उसी के चलते यहाँ पर देखेंगे कि एक जो एप्लीकेशन दी गई थी नगर निगम के कमिश्नर को, और उसी को आधार बनाते हुए यहाँ पर फैसला भी 5 अक्टूबर को सुनाया गया था। एक बड़ी अपडेट इस मामले में ये भी निकल कर आई है कि जो हाईकोर्ट में जो आज इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, जो मामला अभी नगर निगम आयुक्त कोर्ट में चल रहा है उसको जो है टाइम बाउंड किया जाए, तो अदालत की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है कि 8 हफ्ते के भीतर इस पूरे मामले को नगर निगम आयुक्त कोर्ट जो है इसको पूरा करे, इसका निपटारा करे, क्योंकि ये मामला जो है 2010 से चल रहा है, और इस मामले में जो नीचे की जो 2 मंजिला है जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, इसको लेकर सुनवाई इस पर जो है 21 दिसंबर को होनी है।